सभी भक्तों को जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन माँ के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके नाम का विशेष अर्थ है, चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा मतलब घंटी, घंटा के समान। माता के माथे पर चमकते हुए चंद्रमा की वजह से ही उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। देवी का यह स्वरूप भक्तों में साहस और वीरता भरता है। देवी चंद्रघंटा माता पार्वती का रौद्र रूप है, लेकिन उनका यह रूप तभी दिखता है जब माँ क्रोधित होती है। भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए माँ ने अपने हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा को रखा हुआ है। माता को राक्षसों की वध करने वाली माँ भी कहा गया है। देवी चंद्रघंटा के पूजन और मंत्रों के जाप से सभी भक्तों को जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन के कष्टों का निवारण होता है और मानो जीवन के अंदर नवस्पंदन की झंकार होती है। तभी तो बहुत सुंदर कहा, पिंडज प्रवारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्ययुता प्रसादम तुनते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा उनके भक्तों को आत्मिक शक्ति प्रदान करती है, भक्तों के मनोबल को बढ़ाती है और जीवन की चुनौतियों को पार करने में भी मदद करती है। जीवन के प्रति हमारे नजरिए को बदल देती है माँ चंद्रघंटा। Dear devotees, life is indeed a journey filled with challenges. It's during those tough times that our faith becomes our guiding light. It's essential to keep moving forward, for it's in the face of challenges that we grow and learn. So remember to stay strong and keep your faith intact and continue making the journey better with each step you take. Ma Chandraghanta says, in every challenge lies an opportunity for growth and transformation. Aur isiliye main to bas yahi kahungi, देवी के आशीर्वाद से हर तरफ बसे प्रकाश, सारी दुख दर्द का हो नाश, आपकी कृपा से जीवन खिल जाए, माँ चंद्र घंटा की जयकारा हम सबके दिल में बस जाए, माँ चंद्र घंटा की जयकारा हम सबके दिल में बस जाए। भक्तजनों, आप सभी पर माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपके अंदर वो क्षमता आए कि आप जीवन की चुनौतियों से लड़कर विजय पथ पर अग्रसर हो। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।